हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरबी ऑटो मोबाइल पर। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को 125 सीसी की जितनी भी बाइक्स हैं उन सभी बाइक्स का यहां पर रियल माइलेज बताने वाला हूं। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को इन सभी बाइक्स का जो है ऑन रोड प्राइस भी बताने वाला हूं। एंड मैं यहां पर आप लोगों से दावा करता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा तो इसके अलावा आप लोगों को दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन बाइक्स का माइलेज को लेकर। यहाँ पर दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ कुछ बाइक का जो है खुद ब खुद माइलेज टेस्ट किया हुआ है। एंड मैंने जो है जिन बाइक्स का माइलेज टेस्ट नहीं किया है उन बाइक्स का जो है मैंने खुद ओनर से रिव्यू लिया है, उस मुताबिक से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लें, आप लोगों को जो है इन सभी बाइक्स का माइलेज के साथ साथ आप लोगों को ऑन रोड प्राइस के बारे में भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि लिस्ट में मैंने कौन कौन सी बाइक को लिया है। तो यहां पर दोस्तों मैंने कुल जो है 7 बाइक्स को लिया है जो कि इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर बाइक्स हैं। जैसे कि मैंने पर बजाज कंपनी की 2 बाइक लिया है जो कि है बजाज पल्सर NS125 और एक है बजाज पल्सर 125। इसी के साथ दोस्तों मैंने हीरो कंपनी की 2 बाइक ली है जो कि है हीरो ग्लैमर, एंड इसी के साथ मैंने लिया है हीरो कंपनी की सुपर स्प्लेंडर को। एंड मैंने TVS कंपनी की भी एक बाइक ली है जो कि है TVS राइडर 125। एंड होंडा कंपनी की 2 बाइक ली है जो कि है होंडा SP 125 एंड होंडा साइन 125। तो कुल मैंने इन सभी बाइक्स को लिया है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आप लोग को इन सभी बाइक्स के ऑन रोड प्राइस के साथ साथ माइलेज भी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 7वें नंबर की बाइक की जो की है बजाज पल्सर NS125। इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,22,000 रुपए इस बाइक की जो है ऑन रोड प्राइस है। साथ ही माइलेज की बात करें तो माइलेज जो है इस बाइक का 45 से लेकर 50 तक है। इस बाइक का इतना कम माइलेज इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस बाइक का जो इंजन है वो आप लोगों को अच्छा खासा पावरफुल देखने को मिलता है। एंड इसी के साथ इस बाइक का वेट भी काफी ज्यादा है तो उसके वजह से इस बाइक का माइलेज जो है कम हो जाता है। अगली बाइक की ओर बढ़े तो अगला जो बाइक है दोस्तों वो भी बजाज कंपनी का है जो कि ये बजाज पल्सर 125। इस बाइक की माइलेज की बात करें तो माइलेज जो है आपको इसमें 50 से लेकर 55 तक की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि माइलेज जो है टोटली आप लोगों के राइडिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। आप लोग अपनी बाइक को जितनी अच्छी तरीके से चलाएंगे उतना आप लोग को बेहतरीन माइलेज देखने को मिलेगा, जितना आप लोग रफ राइड करेंगे उतना आप लोग को कम माइलेज देखने को मिलेगा। चलिए मैं आप लोग को पल्सर 125 की ऑन रोड प्राइस के बारे में बता दूं तो हमारे एरिया में दोस्तों इस बाइक की ऑन रोड प्राइस 1,05,000 रुपए तक जाती है। चलिए हम लोग अगली बाइक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो बाइक है दोस्तों वो मैंने लिया हीरो कंपनी की जो की है हीरो ग्लैमर एक्सट्रैक या फिर ग्लैमर की कोई भी मॉडल आती है, सभी में जो है सेम इंजन लगी होती है। इस बाइक की अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो इसकी जो टॉप मॉडल है एक्सट्रैक ब्लूटूथ एडिशन वो जो है दोस्तों आप लोग को 98,000 तक में ऑन रोड प्राइस में देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस बाइक की हम लोग माइलेज की बात करें तो माइलेज जो है दोस्तों सिटी में इस बाइक में आप लोगों को इजीली 55 तक देखने को मिल जाएगी। एंड हाईवे में जो है आप लोगों को इस बाइक में 60 तक का माइलेज देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग इस बाइक को अच्छी तरीके से लाएंगे तो आप लोगों को जो है हो सकता है यहाँ पर 60-65 तक का भी इस बाइक से माइलेज देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली बाइक की जो कि हीरो कंपनी की है, जो कि हीरो कंपनी की दोस्तों हीरो सुपर स्प्लेंडर। इस बाइक में भी दोस्तों आपको सेम वही इंजन देखने को मिलने वाला है जो कि आप लोगों को ग्लैमर एक्सट्रैक में देखने को मिलता है। तो इस बाइक का भी माइलेज दोस्तों आप लोगों को उतना ही लगभग में देखने को मिल जाएगा जो कि सिटी में आप लोगों को लगभग 55 तक देखने को मिलेगा एंड हाईवे में आप लोगों को 60 प्लस देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग इस बाइक को अच्छी तरीके से राइड करते हैं। तो अगली बाइक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो है दोस्तों यहाँ पर 3rd नंबर पे है जो कि है TVS कंपनी की TVS राइडर 125। ये जो बाइक है दोस्तों ये ऑन रोड प्राइस जो है 1,04,000 तक जाती है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को इस बाइक की माइलेज के बारे में बता दूं तो माइलेज जो है दोस्तों यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है इस बाइक की 67 KMPL, बट दोस्तों यहाँ पर 67 KMPL आप लोग को यहाँ पर देखने को नहीं मिलता इस बाइक में। इस बाइक का जो है दोस्तों मैंने ओनर से रिव्यू लिया है जो कि हाईवे में दोस्तों आप लोग को इस बाइक में 58 तक का देखने को मिलता है माइलेज, जो कि अगर आप लोग अच्छी तरीके से राइड करेंगे तो आप लोग को 58-60 KMPL तक तो देखने को मिल जाएगा हाईवे से। बट दोस्तों अगर इस बाइक को अगर सिटी में आप लोग चलाते हैं तो सिटी में आप लोग को इस बाइक में जो है आप लोग को 55 तक देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तों मुझे ओनर ने खुद बताया है। तो आप लोग इस बाइक का माइलेज तो जान ही चुके हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले नंबर की ओर जो कि दूसरे नंबर पे आती है, वो है दोस्तों होंडा कंपनी की होंडा SP125। इस बाइक की प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है इस बाइक का 94,000 से लेकर 96,000 तक जो है ये बाइक ऑन रोड में आ जाती है।
साथ ही इस बाइक की माइलेज के बारे में बता दूं तो माइलेज जो है दोस्तों इस बाइक में आप लोगों को 125cc सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज आप लोगों को इसी बाइक में देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगों को 62 लेकर 65 kmpl तक का देखने को मिल जाता है नॉर्मली। एंड अगर आप लोग इस बाइक को अच्छी से अच्छे तरीके से चलाएंगे तो आप लोगों को जो है इस बाइक में 70 तक का भी माइलेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग सिटी वगैरह में चलाते हैं तो आप लोगों को इस बाइक में जो है 50 से लेकर 60 तक देखने को मिल जाएगा इजिली। तो इस बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है 125cc सेगमेंट में। बढ़ते हैं दोस्तों पहले नंबर की बाइक की ओर। तो पहले नंबर पे भी दोस्तों होंडा कंपनी की बाइक आती है, जो कि यह होंडा साइन 125। इस बाइक में भी दोस्तों आपको सेम वही इंजन देखने को मिलता है जो कि आप लोगों को होंडा एसपी 125 में देखने को मिलता है। सेम वही इंजन इस बाइक में भी देखने को मिलता है, जो कि इस बाइक का भी माइलेज दोस्तों आप लोगों को ऑलमोस्ट उतना ही देखने को मिलेगा। इस बाइक की अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है इस बाइक का 88,000 से लेकर 90,000 तक जो है ऑन रोड प्राइस में ये बाइक आ जाती है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि बाइक का जो माइलेज है दोस्तों वो टोटली आपके राइडिंग कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इन सभी बाइक्स का माइलेज के साथ साथ जो है ऑन रोड प्राइस बता दिया। आप लोग अगर बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा बाइक आप लेंगे नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, या फिर इन बाइक्स में से आपके पास कोई बाइक है तो आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि आप लोग को उस बाइक से कितनी माइलेज देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।